धारा आधारित कांग्रेस को खड़ा कर दिया तो यहीं से दूसरे राज्य में चढ़ाई होगा, क्योंकि ये बात प्रमाणित कर दिया जाएगा कि नहीं, हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर नई व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें राजनीतिक जीत भी मिल सकती है। इसीलिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हमको आपसे वोट नहीं चाहिए, रघु हमारा के वोट मत दी, लेकिन इस बात को मन में जांचिए, परखिए, देखिए कि जाति आधारित जो व्यवस्था है जिसमें आप समीकरण बनाकर चुनाव लड़ते हैं, इसमें ना आपको राजनीतिक जीत मिल रही है, ना हिस्सेदारी मिल रही है, ना आपका विकास हो रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के विकास को छोड़कर आपने भाजपा को रोकने के लिए एक दल को वोट दिया है पिछले 30 साल से। अब जरा रुआ आकलन कर ली खुद से कि 30 वर्ष में आपको क्या मिला। आपका विकास नहीं हुआ ये तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी आपको कितनी मिली है वो भी आप गुणा गणित कर लीजिए। और अंतिम बात कि भाजपा को आप रोक भी नहीं पाए, 2 MP की पार्टी आज 330 MP की पार्टी बन गई है, तो आज के समाज में से कुछ लोगों को हिम्मत करके खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, चुनाव लड़ने एक दो साल से लड़ाई से नहीं होगा, 10 साल 15 साल के संघर्ष के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक दिन में भाजपा नहीं बनी है, 30 साल 40 साल दो पुश्त लोगों ने लगाया है उसको बनाने में। 1970 के बाद से लगातार प्रयास हुआ है, तब जाकर उनको सफलता मिली है। और रउआ हम सोचता नहीं जा कि काल कोनो जात के साथ कॉम्बिनेशन बना ली, MY PY CY या चुनाव जीत जाए। पहली बात कि आप चुनाव जीतिएगा नहीं, और अगर जीत भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए जब महागठबंधन में जिता देनी, 25 में रुआ जिता देनी, आ 27 में UP में जीत के लम योगी जी, तो कितना दिन चले दी हम बिहार में, चलने देगा आपको? एक दिन नहीं चलने देगा। इस नई व्यवस्था के तहत बिहार जीत कराइएगा तो आप उसको नहीं चलने दीजिएगा, ये इस बात का ताकत है। इसलिए गांव गांव घूम रहा है, हमको कह रहा है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में बता दिया कि भाजपा के जन सुराज करने से भाजपा को फायदा होगा। ये प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है, ये आपका दूसरा सवाल है। आपको हमने अभी बताया कि क्यों महागठबंधन का प्रयोग ठीक नहीं है, क्यों आपको विचारधारा आधारित एक नई व्यवस्था